अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए रविवार सुबह उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में सभी विधायक लग्जरी बसों से अयोध्या के लिए रवाना हुए। रामलला के दर्शन करने के लिए योगी कैबिनेट के सभी मंत्री समेत भाजपा, आरएलडी, कांग्रेस, निषाद पार्टी, सुभा सपा, अपना दल और एनडीए के घटक दलों के सभी विधायक विधानसभा के सामने से लग्जरी बसों से अयोध्या के लिए रवाना हुए। हालांकि सपा विधायकों ने पहले ही रामलला के दर्शन करने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि भगवान रामलला के दर्शन के लिए विधानसभा से अयोध्या के लिए 10 लग्जरी बसें रवाना हुई हैं। इसमें अध्यक्ष सतीश महाना, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, यूपी की योगी सरकार के सभी मंत्री, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, कांग्रेस विधायक की आराधना मिश्रा मोना, बसपा विधायक उमा शंकर सिंह, सुभा सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर समेत भाजपा, आरएलडी और एनडीए के घटक दलों के सभी विधायक भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पुणे पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि सीएम योगी दोपहर में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजकीय विमान से पहुंचेंगे और यहां से सड़क मार्ग से अयोध्या धाम के लिए रवाना होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य भव मंदिर का निर्माण इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और सारी व्यवस्थाएं माननीय योगी जी के द्वारा की गई हैं। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत आह्लादित हैं, बहुत भावपूर्वक क्षण है मेरे लिए आज का। सब हैं, आरएलडी के विधायक हैं, राजा भैया हैं, बीएसपी के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, सभी पार्टियों को मैंने निमंत्रण दिया, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते से मैं सबके लिए हूं और सब मेरे हैं। मैं सबको अपना समझता हूं, सब मुझे अपना समझते हैं कि नहीं करते, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। मुझे कल कहा विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कि मैं आपके बुलाने पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने उनको ये कहा था कि जब आप जाएंगे राम जन्मभूमि का आंदोलन करने के लिए, आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आपके साथ जाऊंगा। भगवान श्री रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, रामलला विराजमान हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मुझे 22 जनवरी को भी रहने का सौभाग्य मिला था और आज भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलने वाला है। और हम सभी अपने सम्मानित दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राम। विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, सपा सफा हो जाएगी। अद्भुत दृश्य है और देख रहे हैं कि सभी माननीय विधायक, माननीय मंत्रीगण, सभी लोग हम लोगों के साथ जा रहे हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और सभी लोग के मन में तीव्र आकांक्षा है कि प्रभु रामलला के दर्शन हम लोग समवेत करें। आपने सब कुछ कन्वेंस कर लिया, बसपा भी आ गई, सभी जा रहे हैं, सभी जा नहीं लाया। देखिए, समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र के बारे में आप पहले से जानते हैं। उन लोगों ने भारत की संस्कृति से, प्रभु रामलला से हमेशा द्वेष भावना के तहत काम किया है। इन्हीं लोगों की सरकार में अयोध्या रक्त रंजित हुई थी, तो कैसे जा पाएंगे हम सब? भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। जो प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, आज दुनिया उसकी सराहना कर रही है। भगवान राम का दर्शन करने का सौभाग्य आज हमको मिल रहा है। ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए, पूरे खानदान के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, सबके लिए, सबकी तरफ से मैं उनको नमन करता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत ही परम सौभाग्य का विषय है कि भगवान के चरणों में शीश झुकाने का मौका मिलेगा। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो आज नहीं तो जब भी उनको ठीक लगे अवश्य जाकर के अयोध्या धाम को भी देखें। बहुत बड़ा सौभाग्य है, केवल हमारा ही नहीं, सभी माननीय विधायकों का और माननीय अध्यक्ष जी का आभार, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जिन्होंने इस यात्रा की योजना बनाई। क्या हर चीज को मुद्दा बनाना आवश्यक है? आप लोगों के पास इससे ये लगता है कि आप लोग किसी भी चीज को, अरे हमारे अध्यक्ष जी हैं, जो ये ऐसे अध्यक्ष जी हैं जिनका सर्वसम्मति से इनका चयन हुआ था, सभी लोगों ने चुन करके, मतदान नहीं हुआ विधानसभा अध्यक्ष के लिए, सर्वसम्मत से इनको अध्यक्ष चुना गया। और अध्यक्ष ही चुना गया तो उसमें हम सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, लोक दल सभी लोग थे। सपा के लोग तो नहीं जा रहे हैं, आप बसपा से हैं। सपा के लोग राजनीति कर रहे हैं तो हम राजनीति करने वाले नहीं है। हमारी पार्टी धर्म निरपेक्ष पार्टी है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके सभी लोग निवेदन पर
अयोध्या भगवान राम के दर्शन के लिए हम सब लोग जा रहे हैं। कैसा अनुभव है सर? अच्छा अनुभव है भाई, आस्था जिसकी जहाँ है तो अपनी पूरी आस्था के साथ जाता है ना। आप सभी लोग जहाँ एक तरफ जा रहे हैं वहीं सपा में जाने से इनकार कर दिया है। वो उनका विषय है, संविधान में बाबा साहब ने सभी लोगों को अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म को मानने मनाने की व्यवस्था है, जाएंगे वो लोग भी जाएंगे। वजह क्या लगती है आपको अभी? वजह ही लगता है कि भाई भाजपा के साथ हट के कैसे जाए, हट के रहे। तो इसके साथ आरएलडी भी जो है वो भी जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे। अभी देखिए वो सट के इस सट गए, अब वो हट के काम करेंगे, देखिएगा। मतलब आप अपनी बात पे कायम है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग सट गए कुछ लोग हट? हाँ बिल्कुल कायम है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे 22 को भी जाने का मौका मिला था और इतने कम समय में रामलला ने मुझे दूसरी बार बुलाया है, तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। आई थिंक ये धर्म और आस्था का मामला है, इट इज अबव पेटी पॉलिटिक्स, और डेफिनेटली उनको जाना चाहिए था। आप बीजेपी को ब्लेम करते हैं कि आप धर्म की राजनीति करते हैं, विभाजन की राजनीति करते हैं, और आप खुद ऐसी चीज को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। आई थिंक उनको आना चाहिए था, बट उनका अपना विषय है।